कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यहाँ पर मरीजों के साथ जानवरों से ज्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है, शवों को का जो डिस्पोजल है सर, उसको लेकर भी चिंता जताई गई है, इसको लेकर अभी इसके ऊपर टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर भी टिप्पणी करना सही नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट डे जो होता है कंप्लेंट, दैट इज नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिमार्क और जजमेंट। एलएनजेपी अस्पताल के कुछ वीडियो सामने आए हैं, तो उनमें जिस तरह की बदहाली दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों को, मैं तो कहूँगा आप लोग खुद थोड़ा हिम्मत करिएगा, खुद जाकर देखिएगा। अभी हो क्या रहा है कि मोटिवेटेड लोग, कोई ऐसे, अभी जैसे उस दिन की वीडियो थी, वो कॉन्ट्रैक्ट के एक या दो स्टाफ ने बनाए थे, वो सस्पेंड भी कर दिया गया है, उन लोगों ने मोटिवेट होकर जानबूझ के बदमाशी करने के लिए किया गया। तो मैं तो आपको मैं तो आप जाके खुद देखिए। सर, डेथ ऑडिट कमेटी जो आपने बनाई हुई है, उसको लेकर के भी एमसीडी ने सवाल उठाया, वो कह रहे हैं वो जानबूझ करके रिपोर्ट और जानबूझ के लेट में मीटिंग करते हैं और इसी कारण से लेट में रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है आप पता कर लीजिएगा, पत्रकार हैं, इस देश में सभी राज्यों में डेथ ऑडिट कमेटी बनी हुई है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, हर राज्य के अंदर भी सब जगह, कईयों ने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना रखी है। और डेथ ऑडिट कमेटी का काम ये नहीं कि मौत को कम या ज्यादा करना, जो भी आती है उसी दिन, डिले नहीं होता, भेजने वाले डिले कर सकते हैं, जिस दिन रिपोर्ट किया जाता है उसी दिन रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक डिफरेंस क्यों इतना ज्यादा है, भेज नहीं रहे ना, लेट भेजने के लिए। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया था, सस्पेक्ट भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में चलकर देखिए इंतजाम, एक मरीज को क्या क्या व्यवस्थाएं या इंतजाम वहाँ दिया जाता है, क्या प्रोटोकॉल है, कितने टाइम में एक डॉक्टर या एक नर्स या मेडिकल स्टाफ मरीज के पास पहुंचता है, इसको लेकर क्या अंदर क्या है ये बता दीजिए। वार्ड के अंदर एचडीयू मतलब इंटेंसिव केयर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, अलग अलग नहीं, अलग अलग होता है। अब सभी वार्ड में नर्सेज पोस्टेड होती हैं, डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं वार्ड वाइज, ऐसा नहीं कि वो कहीं अलग से हैं, उनको अपने अपने वार्ड का ध्यान रखना होता है, लोगों के पास मिलते भी हैं। जैसे भोजन का ध्यान है, दिन में जैसे एलएनजेपी के अंदर 4 बार भोजन दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, उसे हाई टी, डिनर, उसे फूड का इंतजाम भी किया जाता है, डिनर वॉटर भी किया जाता है, तो खाने का रहने का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो मैं तो कहूँगा एक बार आप देख लीजिए। सर, टेस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार में बार बार अभी सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी टेस्टिंग की स्थिति की अगर बात करें तो क्या है, क्या कम हुई है टेस्टिंग? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो आईसीएमआर से करिए, अपनी गाइडलाइन चेंज कर दें। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते, जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर, उस कंडीशन को मानना सबके लिए बाध्य है, और उसमें क्लियर कट गाइडलाइन है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केंद्र सरकार के लिए उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। उसमें देखो एक इशू ये भी आएगा कि बीमार लोग कम कराएंगे, अगर आप ये कहते हैं ना जो भी चाहे कि अपना जाके मैं अगर टेस्ट कराना चाहता हूँ, तो फिर तो उसके 1 लाख लोग एक दिन कह देंगे करेंगे, फिर नंबर आप पहुँचते 1 महीने बाद आएगा।